डोंट फियर डेथ, फियर दैट यू मे नॉट लिव टू द फुलेस्ट। अमेरिका के एक प्रिजन हाउस में एक आदमी को मौत की सजा सुनाई दी गई। पहले उसको फांसी देकर मारना था, लेकिन बाद में वो सजा बदल के उसको जहरीले या डेंजरस सांप से डसवाया जाएगा ऐसी सजा सुनाई दी गई। वो दिन आ गया, उसको रूम में लाया गया, उसको कुर्सी से बांधा गया और उसके पास उसने वो जहरीला सांप लाते हुए एक आदमी को देखा। उसके चेहरे के ऊपर एक कपड़ा डाला गया और उसके बाद उस प्रिजन हाउस में अपना डिसीजन चेंज किया, अपना प्लान चेंज किया। उन्होंने उस आदमी को उस जहरीले सांप से डसवाया नहीं, सिर्फ दो सुई ली और वो दो सुई उसके हाथ के ऊपर जोर से चुभाई। और क्या आश्चर्य, उस आदमी को चक्कर आ गया, चक्कर आके वो गिर गया और दो मिनट में उस आदमी की मौत हो गई। और इतना ही नहीं, जब उस आदमी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से जहर पाया गया। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह डर बहुत खतरनाक होता है। अपने शरीर में केमिकल इंबैलेंस पैदा करके बहुत हार्मफुल एसिडिक इफेक्ट्स पैदा करता है, माने जैसे शरीर में जहर पैदा करता है, अपने पूरे सिस्टम को कमजोर करता है और खास करके अपने इम्यूनिटी पावर को कम करता है। सभी डॉक्टर्स कहते हैं डर हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, मांसपेशी पर तनाव बढ़ाता है, अपने सांस लेने की गति को बढ़ाता है, हमको बहुत पसीना आता है, हमारे खून में शक्कर बढ़ाता है जिससे शरीर में रक्त दाब बढ़ता है। हमको कुछ चीजें याद रखनी होगी। नंबर एक, डर सिर्फ अपने मन में है और कहीं नहीं। हम जितना इस डर को महसूस करेंगे उतना ही ये डर ज्यादा बढ़ता रहेगा। नंबर दो, डर नहीं केयर। अपनी खुद की केयर करनी है, डरना नहीं है, परिस्थिति का सामना करना है, हौसला रखना है। डर का सामना करने का जो जज्बा रखता है वही जिंदगी में जीतता है। नंबर तीन, हमारा फोकस कहां है? व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज एक्सेट्रा। अपना फोकस बदलो, इन सब चीजों से दूर रहो। इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रोडक्टिव थिंग्स, रीडिंग, लर्निंग गुड थिंग्स, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट एक्सेट्रा। नंबर चार, आपको पता है आज ये डर बेचा जा रहा है, इस डर का धंधा हो रहा है, ये डर पैदा किया जा रहा है, इस डर से पैसा कमाया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन हम आसानी से ये डर खरीद रहे हैं और इस डर का हम शिकार हो रहे हैं। नंबर पांच, डर को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ। अगर मुझे पता है कि मेरी मौत अनिश्चित है तो मेरा ड्रीम, मेरा पैशन, मेरा गोल मुझे अब भी स्टार्ट करना है। आई नीड टू स्टार्ट नाउ, आई कैन नॉट वेट। ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। बिकॉज व्हेन वी रियली डाई, व्हेन आर ड्रीम्स डाई, व्हेन आर इंस्पिरेशन डाइज, व्हेन आर एंथुसियाज्म डाइज, व्हेन आर होप डाइज। इसीलिए डर को खत्म करो और हिम्मत से जीना सीखो। थैंक यू।